जो एटॉमिक साइज है उसमें क्या वेरिएशन रहते हैं जब हम ग्रुप में मूव करते हैं तो क्या वेरिएशन होते हैं जब हम पीरियड्स में मूव करते हैं तो क्या वेरिएशन होता है तो अभी हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि जो एटॉमिक साइज होता है हमारा फर्स्ट तो वो होता क्या है सेकेंड ग्रुप्स में और पीरियड्स में उनका उसका जो वेरिएशन है वो कैसे रहता है क्लियर सो लेट्स स्टार्ट आर सेशन सो द फर्स्ट थिंग इज दैट व्हाट आर द दीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स ियड इज कॉल्डेंटल रिलेशनशिप इन टेबल किसी भीज है, है वो पीरियड्स के अकॉर्डिंग वेरी हो रही है वेरी हो रही है तो हम क्या बोलेंगे उस रिलेशनशिप को बोलते हैं हम हॉरिजोंटल रिलेशनशिप क्लियर तो हॉरिजेंटल रिलेशनशिप क्या होती है वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अक्रॉस अ पीरियड इज कॉल्ड हॉरिजोंटल रिलेशनशिप क्लियर अब वर्टिकल रिलेशनशिप जो पीरियड्स में वेरी करती थी प्रॉपर्टीज उसको हम बोल बोलते थे करेंगे उसे क्या बोलेंगे वर्टिकल रिलेशनशिप तो क्लियर हुआ क्या होता है वर्टिकल रिलेशनशिप वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स अलोंग अ ग्रुप इज कॉल्ड वर्टिकल रिलेशनशिप क्लियर तो अभी आपको क्लियर हो गया हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप्स क्या होती हैं और वर्टिकल रिलेशनशिप्स क्या होती हैं हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप जो जो प्रॉपर्टीज होती हैं एलिमेंट्स की जब पीरियड्स में वेरी करती हैं तो उस वेरिएशन को हम हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप के थ्रू समझते हैं और जो हमारी ग्रुप्स में जब प्रॉपर्टीज वेरी करती है तो उसको हम वर्टिकल रिलेशनशिप की तरह समझते हैं क्लियर हुआ तो अभी ये दो टर्म आपको क्लियर हो गए कि हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप पीरियड्स में होगा और वर्टिकल रिलेशनशिप हम ग्रुप्स में बोलेंगे क्लियर अब आती है जो एटॉमिक साइज है वो होता क्या है

जो outermost shell है, that is, जो valence shell है, वहां जो है, 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 तक की होगी, उसे क्या क्या बोलेंगे? First, atomic radius, clear? उसी atomic radius के हम बता सकते हैं तो रेडियस को ही हम एटॉमिक साइज बोल सकते हैं तो क्या जो डिस्टेंस है किसके बीच में जो हमारा न्यूक्लियस है उससे वेलेंस शेल जो है हमारी दैट इज जो आउटर मोस्ट शेल है एनर्जी शेल है

जो एटॉमिक साइज होता है उसे हम आर से डोनेट करते हैं क्योंकि रेडियस को हम नॉर्मली आर से डोनेट करते हैं इसलिए एटॉमिक साइज़ को भी हम R से डोनेट कर देते हैं। अब बताती है जो एटॉमिक साइज है उसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं क्लियर एटॉमिक साइज ऑफ अ नॉन मेटल इज इक्वल टू हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू एटम्स बॉन्डेड बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के केस में क्या होता है जब दो एटम्स एक सिंगल करेंगे और उसका हाफ कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा क्लियर दैट इज दो जब न्यूक्लिया दो एटम्स के न्यूक्लिया को की जो डिस्टेंस है दो एटम्स जो एक दूसरे से कोविलेंट बॉन्ड से अटैच है सिंगल बॉन्ड से अटैच है उनके बीच की न्यूक्लिया जो है उसको न्यूक्लियाई उनके बीच की न्यूक्लियाइस की जो डिस्टेंस है उसे हाफ से हमें डिवाइड कर देना है तो क्या जाएगा आ जाएगा हमारा एटॉमिक साइज आ जाएगा नॉन मेटल का क्लियर द एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 37 पिकोमीटर जो हाइड्रोजन एटम है उसके एटॉमिक रेडियस होते हैं 37 पिकोमीटर पिकोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है 10 टू की पावर माइनस की इंटू क्लियर

The of two atoms in the Lekin, के में होता है जो मेटेलिक दो, दो पास पास रखे एटम्स है उनकी जो न्यूक्लिया के बीच में डिस्टेंस है उसको यदि हाफ कर दिया जाए तो हमारा क्या आ जाएगा

10 टू द पावर -9 मीटर इज इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर होता है और 10 टू द पावर -12 मीटर इज इक्वल्स टू 1 पिकोमीटर होता है क्लियर पिकोमीटर का मतलब होता है 10 टू द पावर -12 क्लियर अभी आता है वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज अक्रॉस अ पीरियड ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कि जो एटॉमिक साइज है वो पीरियड्स में और ग्रुप्स में वैरी कैसे करता है क्लियर

इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जैसे जैसे हम पीरियड्स में लेफ्ट से राइट right की तरफ मूव करेंगे एटॉमिक साइज इंक्रीज होता चला जाएगा जब हमारा एटॉमिक नंबर पीरियड्स में इंक्रीज होता है तो क्या होता है शेल तो हमारी सेम रहती है क्लियर जो शेल है वो हमारी सेम रहेगी बट उसमें इलेक्ट्रॉन्स की नंबर बढ़ते चले जाते हैं जिसकी वजह से क्या होता है

इसकी वन इलेवन फिर एटी एट फिर सेवेंटी सेवन सेवन सिक्सटी सिक्स और सिक्सटी फोर दैट इज जो रेडियस है वो डिक्रीज होती चली जा रही है अब उसका रीज़न क्या है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं तो एटॉमिक रेडियस हमारी डिक्रीज होती चली जाती है इसका रीजन सिंपल है एज द नंबर ऑफ प्रोटोन्स इन द न्यूक्लियस इंक्रीजेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो इंक्रीजेस जैसे जैसे हमारे न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स के नंबर बढ़ते चले जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स के भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक ही शेल में आते चले जाते हैं शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाता है तो क्या करता है न्यूक्लियस जो है वो शेल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है और उसकी वजह से जो एटॉमिक रेडियस है जो एटॉमिक साइज है वो कम होता चला जाता है दिस इज द रीजन जैसे जैसे हम पीरियड्स में मूव करते जाएंगे जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज होता चला जाएगा एंड द द इंक्रीज ऑफ प्रोटोन इन न्यूक्लियस कॉजेस ग्रेटर अट्रैक्शन फॉर इलेक्ट्रॉन्स एज आई टोल्ड यू कि जो प्रोटॉन्स का इंक्रीज होना है न्यूक्लियस में वो क्या करेगा जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें ग्रेटर अट्रैक्शन प्रोड्यूस करेगा ड्यू टू दिस अट्रैक्शन इसी अट्रैक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन आर पुल्ड क्लोजर टू वर्स न्यूक्शन की वजह से, तो से क्या होता है जो न्यूक्लियस है और जो आउटर मोशल है उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कम हो जाती है एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे ले कंसिडर द केस ऑफ लिथियम एंड बैरिलियम इनका एलिमेंट जो एलिमेंट है पीरियड टू के क्लियर एटॉमिक एटॉमिक रेडियस रेडियस ऑफ ऑफ द पहले आता है बाद में. जो, है, उसके है है, जो है, उसके से ज्यादा है उसका इलेक्ट्रॉनिक टू कॉमा वन फोर बी ई उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया 2, Be, उसका हो गया 2,2 क्लियर इसमें जब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे तो फर्स्ट शेल में टू इलेक्ट्रॉन्स आ गए और सेकेंड में वन इलेक्ट्रॉन क्लियर यहाँ पे क्या हुआ देखो यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेल्स दो थी यहाँ पे भी नंबर ऑफ शेल्स दो है टू कॉमर टू इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहली शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए दूसरी शेल में भी दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए ये क्या हुआ यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन था यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में है तो क्या होगा इस शेल में नेगेटिव चार्ज जो है उसको न्यूक्लियस अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा अपनी तरफ अब हम पीरियड में और आगे मूव जब करेंगे जैसे फाइव आ जाएगा या सिक्स आ जाएगा कार्बन वगैरह आ जाएंगे तो उनके साथ भी क्या होगा इसी शेल में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहेंगे कोई आगे शेल नहीं बढ़ेगी दैट इज थर्ड शेल नहीं आएगी सेकेंड शेल में ही हमारे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे और उसकी वजह से क्या होगा न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा

यहाँ पे आप एटोमिक रेडिया देख सकते हो यहाँ पे एल uh, आई का थ्री हो गया uh, NA का 11, K का क्लियर पे नंबर ऑफ शेल फोर होंगी तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जा रही है इलेक्ट्रॉन सेम है लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है बट नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती चली जा रही है दिस इज द रीजन आप देख सकते हो एटमिक रेडियस भी इनकी बढ़ती चली जाएगी

जो साइज है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाता है क्योंकि जितने ही बढ़ता चला जाएगा जैसे हाँ पे लिथियम टू कम थ्री दो शेल होती है तो उसका साइज ये हो जाएगा क्लियर और यहाँ पे थ्री शेल्स होती है तो हम थ्री सेल्स बनाएंगे तो ऑब्वियसली टू शेल से थ्री शेल्स वाले का साइज ज्यादा होगा क्योंकि उसकी न्यूक्लियर डिस्टेंस आउटर मोस्ट शेल से ज्यादा होगी दिस इज द रीजन जो ग्रुप्स है उसमें जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो हमारा जो एटॉमिक साइज होता है वो इंक्रीज होता चला जाता है सो इट्स अ टाइम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क हाउ डज द वैलेंसी वेरी इन गोइंग डाउन द ग्रुप जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं to है, तो वैलेंसी कैसे वेरी होती है एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ वन टू थ्री फोर फाइव टाइम्स अप सो आउट एक्चुअली देर इज नो चेंज इन दैलेंसी ऑफ एलिमेंट ऑन गोइंग डाउन अ ग्रुप जब भी हम ग्रुप में नीचे मूव करेंगे करेंगे तो जो वैलेंसी है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा बिकॉज दैट इज द वैलेंसी ऑफ ईच एलिमेंट इन अ ग्रुप इज सेम हर एलिमेंट की जो वैलेंसी है वो सेम रहेगी क्यों क्योंकि ग्रुप में क्या होता है लास्ट वेलेंशियल में सेम इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहते हैं जैसे लिथियम में आप देख सकते हो वन ही इलेक्ट्रॉन होगा सोडियम में देखोगे लास्ट वेलेंशियल में वन इलेक्ट्रॉन होगा

अच्छा, हमने जो एटॉमिक साइज है उसके बारे में स्टडी किया जो पीरियड्स हैं उनके और जो ग्रुप्स हैं उनमें जो एटॉमिक साइज है उसका वेरिएशन कैसे होता है ये भी हमने डिस्कस किया इन नेक्स्ट सेशन विल गोना टॉक अबाउट मच मोर अबाउट चैप्टर। टिल गुड लक